जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में आपको साल 2024 के नवंबर महीने में जिन 6 भाग्यशाली राशि जातकों के विवाह सगाई के योग हैं, परिणय सूत्र बंधने के योग हैं, उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको पूर्णतः सत्य दूंगा और यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दूंगा। उससे पहले मैं आपको नवंबर महीने में विवाह मुहूर्त, गृह प्रवेश मुहूर्त, क्रय मुहूर्त, संपत्ति क्रय मुहूर्त, वाहन क्रय मुहूर्त, ये सभी मुहूर्त की जानकारी आपको दूंगा और आपकी जरूरत के अनुसार से आप उन मुहूर्त को नोट कर सकते हैं। और यकीनन मथुरा पंचांग के आधार पर आपको यह जानकारी दी जाती है कृष्ण कन्हैया की नगरी से, तो आपको इसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इन मुहूर्त में अगर आप शुभ कार्य करेंगे तो उसमें आपको सिद्धि अवश्य ही प्राप्त। तो आइए पहले मुहूर्त जानते हैं और फिर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो आपको बता दें कि चतुर्मास, चतुर्मास का विशेष महत्व होता है। यह मास तब लगता है जब भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। कथा तो आपको ज्ञात ही होगी, इसके कई कथाएं हैं। इनमें दो कथा प्रसिद्ध है, एक शेषनाग को लेकर है। शेषनाग चूंकि सेवा में लगे रहते हैं नारायण हरि विष्णु के, तो उन्होंने एक बार उनसे यह वरदान प्राप्त किया कि उन्हें अवकाश दिया जाए। उनके वरदान के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि आप 4 महीने तक आपको अवकाश दिया जाएगा और उन 4 महीनों में जो है तीनों लोकों के जो है संचालन करता देवों के देव महादेव रहते हैं। और इसके चलते सावन के महीने से ही भगवान शिव की पूजा उपासना की जाती है और 16 सोमवारी का व्रत भी रखा जाता है। तो एक तो यह कथा है और दूसरी कथा यह है, जब राजा बलि को पाताल लोक भेजा गया तो उस समय उन्होंने यह वरदान मांगा था कि वो यहीं पर रहे, तो उस समय माँ लक्ष्मी ने उन्हें अपना अनुज मानकर उनसे यह वरदान प्राप्त किया कि भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में रहेंगे और 4 महीने के लिए वह क्षीर सागर में विश्राम करेंगे और पाताल लोक में तब वो राजा बलि के यहाँ। तो ये दो कथाएं जो है प्रचलित है, इसमें विस्तार पूर्वक होगा। चूंकि संक्षेप में बताने में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। शास्त्र का विस्तार है, इसमें अगर आप संक्षेप में कोई जानकारी देते हैं तो उसमें त्रुटि रहने की पूरी संभावना रहती है। तो आइए अब आगे वीडियो बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि चतुर्मास 4 महीने का लगता है, 4 महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे, लेकिन ये 4 महीने कब से लग रहे हैं वह जानकारी प्राप्त कर। तो जब देव सैनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक जो है ये 4 मुहूर्त होते हैं और 4 मुहूर्त यानी कि चतुर्मास कहलाता है। तो वर्तमान वर्ष में 17 जुलाई को देव सैनी एकादशी है और 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी। तो ये दौरान जो है विवाह मुहूर्त सभी मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे, लेकिन मथुरा के प्रकांड पंडितों की जो गणना है उसके अनुसार से 4 नवंबर को जो है विवाह मुहूर्त तो नहीं है लेकिन गृह प्रवेश मुहूर्त बिल्कुल है। तो नवंबर के महीने गृह प्रवेश मुहूर्त कुछ इस प्रकार से है, 2 नवंबर को गृह प्रवेश मुहूर्त है, 4 नवंबर को है, 7 नवंबर को है, 8 नवंबर को है, तुलसी विवाह 13 नवंबर को है। तो 13 नवंबर का दिन तो बेहद शुभ है, यह दिन भी बुधवार है। अगर बुधवार आपके यहाँ वर्जित नहीं है तो फिर आप बुधवार के दिन शुभ कार्य कर सकते हैं। फिर 16 नवंबर है, शनिवार का दिन है, 18 नवंबर सोमवार का दिन है और 25 नवंबर सोमवार का ही दिन है। तो कुल मिलाकर कहे 2, 4, 7, 8, 13, 16, 18 और 25 ये दिनों में जो है आप गृह प्रवेश कर सकते हैं नवंबर के महीने में। आप स्थानीय पंडित से भी सलाह और संपर्क कर सकते हैं। अब बात करें विवाह मुहूर्त की, तो विवाह मुहूर्त जैसा आपको बताया हूँ कि 12 नवंबर को जो है देव उठनी एकादशी है, तो 13 नवंबर को विवाह मुहूर्त है, फिर 17 नवंबर को विवाह मुहूर्त है, 18 नवंबर को विवाह मुहूर्त है, 22 नवंबर को विवाह मुहूर्त है, 23 नवंबर को विवाह मुहूर्त है और फिर 24 से लेकर 26 लगातार विवाह मुहूर्त है। यानी कि 22 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक विवाह मुहूर्त ही है। तो कुल मिलाकर का है 13, 17, 18, 22 से लेकर 26। तो ये तो मथुरा पंचांग की गणना है। लोकल अगर आप जहां से आप निवासी हैं वहां के स्थानीय रीति रिवाजों का पालन कर सकते हैं, स्थानीय पंडितों से सलाह ले सकते हैं और स्थानीय पंचांग का आप अनुसरण अवश्य करें। तो यकीनन
आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप संपत्ति क्रय करना चाहते हैं तो उसके लिए जो विवाह मुहूर्त है, संपत्ति क्रय के लिए जो मुहूर्त है नवंबर के महीने में, वो कुछ इस प्रकार से है, 1 तारीख, 7 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख। तो इन 5 दिनों में आप संपत्ति क्रय कर सकते हैं, यानी संपत्ति की खरीदारी कर सकते हैं नवंबर के महीने में। इसके अलावा जुलाई के महीने में भी, 26 जुलाई तक है, अगस्त के महीने में भी है, सितंबर के महीने में भी है और अक्टूबर के महीने में भी है। हालांकि चतुर्मास में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो है आप नवंबर के महीने का चयन कर सकते हैं। अगर आप बात करें वाहन क्रय की, तो वाहन क्रय के लिए नवंबर का महीना जो कुछ इस प्रकार से रहेगा, 4 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। तो इन दिनों में जो है वाहन क्रय यानी कि वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, बेहद शुभ दिन रहेगा। और इस प्रकार से जो है ये कुछ आपको मैंने शुभ तिथि बताई है, विवाह मुहूर्त की, गृह प्रवेश मुहूर्त की, संपत्ति क्रय मुहूर्त और वाहन क्रय मुहूर्त। ये चारों का मुहूर्त जो है नवंबर के महीने के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आइए अब मैं आपको अन्य जानकारी देता हूँ। तो सावन का महीना जो है वो शिव जी के लिए होता है। भगवान शिव जो है सावन के महीने में जो ही, सावन से लेकर कार्तिक के महीने तक जो है भगवान शिव संचालन करता होते हैं, जगत के पालनहार हैं, वही बनाते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं, दुष्टों का बिगाड़ते हैं। तो उनकी लीला परंपार है, उनकी लीला में कभी भी कोई संकेत या संदेह नहीं करना चाहिए। वो त्रिलोकीनाथ है, वो जो करते हैं सबके लिए उत्तम और बेहतर ही करते हैं। तो अगर विवाह में बाधा आ रही है तो आप सोमवार का व्रत रख सकती हैं, रख सकते हैं, लड़के भी रख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लड़कों के विवाह का कारक शुक्रदेव है और शुक्रदेव को मजबूत करने के लिए शिव जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। और जब आप शिव जी की पूजा करते हैं तो शुक्र स्वतः ही मजबूत हो जाता है। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए शिव जी की पूजा उपासना करें और इससे जो है शुक्र मजबूत होगा। एक बार अगर शुक्र मजबूत हो जाए तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है विवाह में। तो सावन के महीने में आप सावन के चारों सोमवार, इसके अलावा अगर 16 सोमवार का व्रत रखते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन सावन के महीने में आप जो है सोमवार का व्रत रख सकते हैं, रख सकती हैं। तो सावन के महीने से लेकर जो है कार्तिक के महीने तक अगर आप शिव जी की पूजा उपासना आराधना करते हैं, अगर रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो रुद्राभिषेक 16 सोमवार के दिन करें, यकीनन आपको लाभप्रद होगा। अगर आपकी कुंडली विश्लेषण नहीं की गई है तो किसी स्थानीय ज्योतिष पंडित से संपर्क कर कुंडली विश्लेषण करा लें। अगर उसमें किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो उसका निवारण भी सावन से लेकर कार्तिक के मध्य करा सकते हैं। और यकीनन अगर आप उस दोष का निवारण करा लेते हैं तो आपके विवाह के योग 100% बने। आपको बता दें कि जब सावन का महीना रहता है और उस दौरान आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो यकीनन वो शिव जी के लिए और शिव जी की कृपा से वो पूर्ण होता है। तो आप सावन के महीने में जो है किसी प्रकार के दोष का निवारण करा सकते हैं। काल सर्प दोष, पितृ दोष हो, मंगल दोष हो, गुरु अंगारक दोष हो या फिर गुरु चंडाल दोष हो, सभी दोषों का आप निवारण करा सकते। तो यह तो जानकारी मैंने आपको प्राथमिक दी। आइए मैं आपको 6 राशि भाग्यशाली राशियों के बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि जो वर्तमान समय में शनि वक्री हैं और आने वाले समय में जो है शनि मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर को, तो नवंबर का महीना बेहद शुभकारी रहेगा। इससे पूर्व जो है गुरु वर्तमान समय में जो है वृषभ राशि में विराजमान है, उसके अलावा राहु जो है मीन राशि में विराजमान है, केतु कन्या राशि में विराजमान है और नवंबर के महीने में जो है ग्रहों का राशि परिवर्तन कुछ इस प्रकार से रहेगा। नवंबर की बात करें तो नवंबर में जो 7 नवंबर को जो शुक्र वो धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, बुध जो है 10 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, 29 अक्टूबर को जो है वो प्रवेश करेंगे वृश्चिक राशि में और फिर जनवरी में राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य 16 नवंबर को जो है राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अगर मार्स की बात करें यानी मंगल की बात करें तो 20 अक्टूबर को जो है कर्क राशि में मंगल प्रवेश करेंगे और फिर वर्ष के अंत तक जो है कर्क राशि में ही रहेंगे। मून तो आपको जैसा पता है 2.5 दिनों में चंद्रमा राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो चंद्रमा का राशि परिवर्तन 2 दिनों के लिए होता है, उस दौरान सुफल प्राप्त होंगे। तो जो 13 नवंबर से लेकर और 30 नवंबर के मध्य जो जातकों के विवाह के योग हैं वो 6 भाग्यशाली राशि के जातक हैं। उनमें प्रथम राशि की गणना अगर मैं करूं तो कर्क राशि है। कर्क राशि के जातक के लिए शुभ योग बन रहा है क्योंकि कर्क राशि में गुरु जो है एकादश भाव को देख रहे हैं और एकादश भाव में जब गुरु विराजमान होते हैं तो उस दौरान जातक के विवाह के योग 100% बनते हैं। तो कर्क राशि में जो है गुरु का एक आदर्श भाव में विराजमान होना शुभकारी है अगर आप कर्क राशि के जातक हैं। चूंकि अभी शनि की ढैया भी चल रही है तो शुभ योग आपको अवश्य प्राप्त होगा और 15 नवंबर के बाद आपके विवाह के योग 100% बनेंगे। वर्तमान समय में आप शिव जी की पूजा आराधना अवश्य करें
अगर आप लड़की हैं तो गुरुवार का व्रत अवश्य रखें, सोमवार के दिन जो है भगवान शिव जी की पूजा आराधना अवश्य करें, आपको अवश्य लाभ प्राप्त। इसके अलावा कन्या राशि, कन्या राशि में केतु का गोचर हो रखा है, गुरु जो है कन्या राशि के भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो इससे शुभ क्या हो सकता है कि अगर भाव भाग्य भाव में गुरु विराजमान हो जाता है तो जातक की किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं, जातक को जो है सभी शुभ कार्यों में जो सिद्धि प्राप्त होती है, बिगड़े काम बनने लगते हैं। कन्या राशि के जातक के लिए तो यह वर्ष उत्तम ही रहने वाला, हालांकि केतु के चलते मानसिक परेशानी रहेगी, तनाव रहेगा, अकस्मात आप कोई ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिससे आपको हानि भी हो सकती है। तो अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो उससे पहले आप श्री गणेश जी का स्मरण करें, भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण करें, देवों के देव महादेव का स्मरण कर अगर आप शुभ कार्य करते हैं तो यकीनन आपको सिद्धि प्राप्त होगी। कन्या राशि के जातक भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा वृश्चिक राशि, जैसा कि आपको पता है वृश्चिक राशि के लिए तो साल 2024 और 25 के मई महीने तक जो है वो 100% शुभ रहने वाला है। इस दौरान चूंकि वृश्चिक राशि के जातकों पर भी शनि की ढैया चल रही है, तो गुरु के विवाह भाव में दृष्टि और शनि की ढैया ये शुभ योग बना रहा है इनके लिए, और नवंबर के महीने में आपकी सगाई शादी और पद्म सूत्र में बंधने के 100% योग बन रहे हैं अगर आप वृश्चिक राशि के जातक। इस लिस्ट में मकर राशि के भी जातक शामिल है। मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर के महीने में तो विवाह के योग बनेंगे, वर्तमान समय में भी योग बन रहे हैं। चूंकि वर्तमान समय में शनि वक्री है तो ऐसा हो सकता है कि शुभ कृपा न बरस पड़ाए, लेकिन 15 नवंबर को जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो फिर आपके लिए महज 4 महीने का समय रह जाएगा 7.5 से मुक्त होने के लिए, तो उस दौरान आपके लिए विवाह के 100% योग बनेंगे ही। वहीं जो मीन राशि के जातक हैं उसके लिए भी शुभ योग है, क्योंकि राहु का गोचर हो रखा है, शुक्र जो है इसमें हमेशा उच्च के होते हैं, और वर्तमान समय में मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन ही रहा है, क्योंकि राहु के गोचर से राहु और केतु जो गृहस्थ बसाने का कार्य करता है, आपके जीवन में जो है अस्थिरता लाने का भी कार्य राहु और केतु करता है, तो ऐसा कहा गया है कि विवाह करके लोग फंसते हैं। तो इस प्रकार की मनोकल्पना जो है ज्योतिष शास्त्र में भी है कि राहु और केतु के रहने पर जो है जातक के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के 100% योग बनते हैं। इसके अलावा वृषभ राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग है। मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय में चूंकि गुरु जो है इनके द्वादश भाव को देख रहे हैं, द्वादश भाव में गुरु के रहने पर जो विवाह के योग नहीं बनते, हालांकि अगर कुंडली में शुभ ग्रह स्थिति अच्छी रही तो फिर आपके लिए विवाह के योग 100% योग। धनु राशि के जातक भी इसमें शामिल है, इनमें गुरु का जो है राशि स्वामी होते हैं, आराध्य भगवान श्री विष्णु जी हैं, तो धनु राशि के जातकों पर भी जो है देव गुरु बृहस्पति की कृपा बरस रही है। तो कुल मिलाकर अगर कहे तो कर्क राशि के जातक, कन्या राशि के जातक, वृश्चिक राशि के जातक, धनु राशि के जातक, मकर राशि के जातक और मीन राशि के जातक, ये 6 भाग्यशाली राशि के जातक हैं जिनके विवाह के योग नवंबर के महीने में 100% बन रहे हैं। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई त्रुटि या गलती रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हो तो संपर्क करें, हमारे संपर्क नंबर 8521835670 है, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर अपनी सलाह अथवा परामर्श दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे, आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे, परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहेगुरु।